गुरुवे नमः। जय महाकाल। दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से यह जो आज मैं मंत्र दे रहा हूँ, यह कोई गुणी या कोई ओझा हमेशा लोगों को परेशान करते हैं, कोई कोई परेशान करने वाले होते हैं, कुछ लोग किया कराया कर देते हैं, खिला पिला देते हैं, तो साध्य जो व्यक्ति है वो परेशान हो जाता है अपने जीवन में। उसे पता नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है और वो पैसों को फेंके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो अन्य कहीं कहीं पर उसे पता नहीं चलता है। तो उस वक्त में यह मंत्र एक अमोघ वस्त्र अस्त्र के समान रक्षा करता है। इस मंत्र के प्रयोग करने से यह गुणी के गुण को बांध देता है और उसे दंडित करता है और जितने भी खिलाया पिलाया है सभी को समाप्त कर देता है। यह प्रमाणित सिद्ध प्रयोग है जो आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मंत्र की विधि यह है कि सोमवार से प्रतिदिन धूप जलाकर 21 बार मंत्र का जाप करें। एक हफ्ता पूर्ण होने पर 11 हवन कर ले। फिर इस मंत्र से भभूत पे या तो फूंक कर या पानी पर 3 बार मंत्र को पढ़ के फूंक के उस व्यक्ति को छींट देना है, पिला देना है। उससे पहले, ये प्रयोग करने से पहले आत्मरक्षा मंत्र का जरूर जाप करें। अपने शरीर को बांधे, अपने आसन को बांध के ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि हो सकता है उसकी शक्ति आपको क्षति कर जाए। तो इस मंत्र का प्रयोग तभी करें जब अपने रक्षा स्वयं की रक्षा करें, तभी इसका प्रयोग करें। यह जो मंत्र है, जब वह जो गुणी है, जब उसका गुण बंध जाता है और उसका खिलाया पिलाया उतर जाता है तो वो परेशान हो जाता है। अगर वो आपके पास आ जाता है, माफ़ी मांगता है, तो अपने बाएं, अगर आपको माफ़ करना है तो अपने बाएं पैर के अंगूठे से उसके सर को टच कर दें तो उसका गुण खुल जाता है और फिर उससे वचन ले ले कि दोबारा कभी उस व्यक्ति को परेशान ना करेगा। यह मंत्र आपके स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, इसे कंठस्थ कर ले ग्रहण काल में या तो कोई पूर्णिमा में किसी दिन भी आप कंठस्थ करके इसको जन कल्याण हेतु प्रयोग में लाए और लोगों की मदद करें। जो लोग बहुत दिनों से परेशान हैं उनकी मदद करें। मैं आशा करता हूँ ये प्रयोग आपके जीवन में पूरी तकलीफ़ों को दूर करेगा। माँ तारा, माँ कामाख्या आप सभी की रक्षा करें और जो लोग परेशान हैं उनको परेशानी से निजात दिलाएं। जय महाकाल। दोस्तों, धन्यवाद।